हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे वर्क एंड टाइम का। ये हमारा लास्ट वीडियो है और जो वीडियो हम बनाए इससे पहले जितना वीडियो हम बना दिए हैं टाइम एंड वर्क का, इससे बाहर किसी भी परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आया है और ना उसी वीडियो में से हमारा सब क्वेश्चन आ जाएगा। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो चलिए देखते हैं, आज हार्ड क्वेश्चन बताएंगे सब जितना है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, एक कार्य को 6 आदमी तथा 5 औरतें मिलकर 6 दिन में अथवा 3 आदमी और 4 औरतें 10 दिन में कर सकते हैं। यह कार्य 9 आदमी और 15 औरतों के द्वारा कितना दिन में पूरा कर लिया जाएगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं, आप एकदम सिंपल तरीके से देखिएगा। क्या कह रहा है कि 6 मैन प्लस 5 वुमेन किसी काम को 6 दिन में कर रही हैं, और क्या कह रहा है कि 3 मैन प्लस 4 वुमेन किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। अब इसे पक्षांतर कर लीजिए, 6 6 36 मैन प्लस 5 6 30 वुमेन। अब ये क्या हो जाएगा, 10 3 30 मैन प्लस ये था हमारा 4 वुमेन, तो ये 10 6 40 वुमेन हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि मैन को यहीं रहने दे रहे हैं, वुमेन को उधर भेज दे रहे हैं, तो ये 36 मैन माइनस 30 मैन बराबर हो जाएगा आपका, तो 40 वुमेन माइनस 30 वुमेन। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये घट जाएगा, तो ये 6 मैन बराबर 10 वुमेन के। अब मैन बटे वुमेन बराबर 10/6, ये कट जाएगा 5/3। ये जो निकल के आया ये इनका क्षमता निकल के आया। अब ये मान हम किसी में भी पुटअप कर दे रहे हैं, तो चलिए ये मान हम इसमें पुटअप करके और आप अपना आंसर निकाल ले रहे हैं। तो था क्या ये कि 6 मैन प्लस 5 वुमेन कोई काम 6 दिन में कर रहे थे, तो इनका मान क्या है, तो मैन का यहाँ 5 है, तो एक मैन अगर जो एक दिन में 5 काम कर रहा है तो ये 30 काम करेंगे। एक वुमेन का 3 है तो 5 3 15 इनका हो जाएगा और गुणे 6 हो जाएगा, तो 15 और 10 45, 45 और गुणे 6, ये हमारा काम निकल के आया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 आदमी और 15 औरतों के द्वारा कितने दिन में पूरा कर लिया जाएगा, तो हमारा ये काम आ गया। अब क्या कह रहा है कि 9 पुरुष के द्वारा, तो एक पुरुष जो है, एक पुरुष की क्षमता जो है वो 5 है, तो 9 पुरुष काम कितना करेंगे, तो 9 5 45 काम वो एक दिन में करेंगे। अब क्या कह रहा है कि एक वुमेन का एक दिन का क्षमता कितना है, 3 है, तो 15 वुमेन है, तो 15 3 45 वो एक दिन में काम करेंगी। तो चलिए देखते हैं, 45 और गुणे 6 ये काम हमारा था, और 45 और 45 90 ये एक दिन में करेंगी, तो 45 दूनी 90 और 2 3 6 हमारा 3 एकदम एग्जैक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन में, है भी देखिए सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 लड़के किसी काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं, 14 लड़के उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या कह रहा है हम आपको बता रहे हैं कि 6 लड़के किसी काम को 42 घंटे में कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है कि 14 लड़के उसी काम को कितने घंटे में करेंगे, तो क्या कह रहा है 14 लड़के उसी काम को कितने घंटे में करेंगे, तो 14 3 42 और 6 3 18 घंटे में 14 लड़के वो काम करके दिखा देंगे, तो 18 हमारा आंसर हो गया, और 18 देखिए ए वाला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी की अपेक्षा 4 गुना कार्य कुशल है, और बी ने कार्य आरंभ किया एवं 6 दिन बाद ए उसके साथ शामिल हो गया, यदि संपूर्ण कार्य 12 दिन में समाप्त हुआ तो उस कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ए ए जो है बी से दुगुना कार्य, बी की अपेक्षा 4 गुना कार्य कुशल है, बी की अपेक्षा 4 गुना कार्य कुशल है, तो ये जो 4 गुना कार्य कुशल है ये
क्षमता ही बता रहा है, तो क्षमता ही बता रहा है, तो हम क्षमता के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि ए की क्षमता 4 है एक दिन, 1 घंटे या 1 दिन की, और बी का 1 है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन हम देखते हैं। बी ने कार्य आरंभ किया एवं 6 दिन बाद, तो बी 6 दिन तक 6 काम ही करेगा, 6 दिन तक 6 काम ही करेगा, उसके साथ 6 दिन के बाद ए उसके साथ शामिल हो गया। यदि संपूर्ण कार्य 12 दिन में समाप्त हुआ, तो 6 दिन तो बी जो है काम किया, अब इसके साथ जब बी शामिल ए शामिल हो गया, तब 12 दिन संपूर्ण कार्य लगा, मतलब 6 दिन ये किया और 6 दिन दोनों मिलकर किए हैं, तो ए और बी की 1 दिन का मिला कर 1 4 इसका है और 1 इसका है, तो 1 दिन का कार्य दोनों को मिलाकर 1 दिन का 5 हो गया, और 6 दिन में वो काम करेंगे कितना, तो 6 चौक 36, 6 पंचे 30 ये हो गया, और बी जो है 6 दिन काम पहले किया था, तो 36 काम हमारा हो गया, हमें पता चल गया कि हमारा काम कितना था, वो 36 हमें पता चल गया। अब क्या कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, तो उस काम को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए की हमें पहले ही पता था कैपेसिटी 4 है, तो वो 36 काम 4 की कैपेसिटी से करेगा, तो कितना हमारा 9 आंसर आ जाएगा, 9, ये देखिए बी वाला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 8 आदमी किसी कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 12 आदमी कितने घंटे में पूरा करेंगे, ये भी बहुत ही सिंपल तरीका है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इसी तरह तरीके से था। क्या कह रहा है, 8 आदमी किसी कार्य को 24 घंटे में कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है कि 12 आदमी कितने घंटे में ये काम पूरा करेंगे, तो 12 दूनी 24 और 8 दूनी 16 घंटे देंगे, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 पुरुष तथा 16 महिलाएं किसी काम को एक साथ 6 दिन में करते हैं, यदि 12 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में करती हैं, तो उसी काम को 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे, ये भी हम आपको पहले बता क्वेश्चन जो पहले ही ये बताया था, ये वाला क्वेश्चन सेम उसी तरह है, आपको हम फिर से भी बता रहे हैं, थोड़ा सा इसमें केवल ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, 15 पुरुष तथा 16 महिलाएं, 15 मैन प्लस 16 वुमेन किसी काम को 6 दिन में कर रही हैं, और क्या कह रहा है कि 12 12 वुमेन उसी काम को 32 दिन में कर रही हैं। अब पक्षांतर कर लेंगे तो क्या होगा, 15 छक्का 15 छक्का ये 90 मैन प्लस 16 छक्का 96 वुमेन, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 32 × 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 और 4 40, 12 दूनी 24 के 4 हासिल दो आ गया, 12 3 36, 12 3 36 और 2 38 हो जाएगा, यहाँ 384। अब 90 मैन अब वुमेन को उधर भेज दे रहे हैं, तो 384 − 96 वुमेन, तो ये हमारा घटेगा, 90 मैन बराबर कट जाएगा, ये 14 में से 6 गया तो 8 बचा, अब यहाँ बचा था 7, 17 में से 9 गया तो 8, ये 288 बचा। अब क्या हुआ, एक बार हम फिर से क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि कहीं हम गलती तो नहीं किए हैं। 15 मैन तथा 16 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में करते हैं, यदि 12 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में कर सकती हैं, तो 10 पुरुष, तो 12 दूनी 24 और 12 3 36 तो 38 और 96 इसमें से हम घटाएं, तो ये हमारा 288। अब क्या हुआ, मैन बटे वुमेन क्या आ गया हमारा 288 और बटे 90, अभी 9 से कटे, 9 से कट जा रहा है, देखिएगा 9 9 3 27 एक बचा, 9 दुनी 18 और ये 9 से 10 बार में आ गया।
अब मैन और वुमेन की क्षमता निकल के आ गया। अब हम आसानी से इसी किसी भी मान में रख के निकाल ले रहे हैं। तो हम मान ले रहे हैं इसी में कि मैन का 15 और गुड़े 32 और प्लस 10 10 160, इसके बाद गुड़ा ये हो गया 6। क्योंकि देखिएगा मैन का ये क्षमता निकल के आया है एक बार का 32, तो हम गुणा करवा ले रहे हैं। 15 दुनी 30 और 15 3 45 और 3 48 480 और 160, 0 8 6 14 4 5 1 6, 640 गुणे 6, ये हमारा काम निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे कि मैन का जो है, मैन का एक मैन का काम जो है वो 32 निकल के आया है, तो 10 मैन का पूछा है, तो 10 मैन का 32 गुणे 10 ये हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए 1 0 से ये 0 खा गया और 32 दुनी 64 हो गया, तो 6 दुनी 12 हमारा निकल कर आंसर हो गया। एकदम सिंपल तरीके से बताएं 12 है, देखिए इसका एक्चुअल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए बी सी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से दुगुना तेजी से और सी से तिगुनी तेजी से कार्य कर सकता है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हम आपको एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा ए बी सी एक कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। चलिए हम मान लेते हैं 6 दिन में कर रहे हैं, अभी हम काम नहीं मान रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और ये आगे क्या कह रहे हैं। तो क्या कह रहा है, यदि ए बी से दुगुना तेजी से और सी से तिगुना तेजी से, ए क्या कह रहा है, ए बी से दुगुना तेजी से, ए जो है बी से दुगुना तेजी से और सी से तिगुना तेजी से, तो यहाँ 6 2 3 ये देखिए बी से दुगुना तेज है और सी से 3 गुना तेज है, यहाँ 6 2 1 हो गया, नहीं यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिए एकदम नंबर बैठ गया। क्या कह रहा है कि ए जो है बी से दुगुना और सी से 3 गुना, तो 3 गुना है। अब क्या कह रहे हैं हम, अभी ए बी सी तीनों की क्षमता निकल के आ गया। अब क्या कह रहा क्वेश्चन, तिगुना तेजी से कार्य कर सकता है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। हम तीनों की कैपेसिटी एक दिन की निकल के कितना आ गई, 6 3 9 2 11, और तीनों मिलकर 6 दिन में वो काम किए हैं, तो तीनों की कैपेसिटी निकल के आ गई 11 और तीनों ने मिलकर कोई काम 6 दिन में समाप्त किया है। तो क्या कह रहा है कि सी की कैपेसिटी, सी का पूछा है तो सी का कैपेसिटी जो है वो 2 है, वो कितने दिन में समाप्त करेगा। 11 3 33 हमारा एक्चुअल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। ये भी पहले की तरह ही क्वेश्चन है, हम आपको सिंपल तरीके से बता रहे हैं। क्या कह रहा है कि 15 आदमी 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। 15 आदमी किसी कार्य को 20 घंटे कार्य करके कोई कार्य समाप्त कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि पूरा कर सकते हैं, 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमियों को, 12 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए 20 आदमियों को
कितने घंटे कार्य करने की जरूरत पड़ेगी। अभी देखिए यही पूछा है, तो 20 से 20 कट गया हमारा, और 3 3 चौके 12 और 3 5 15। वे देखिए 4 दुनी 8, 5 दुनी 10 घंटा हमारा एक्चुअल आंसर आ गया। इसी तरह ये लगेगा, देखिए 15 आदमी 8 घंटे 20 दिन में कोई काम कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है कि 12 आदमी 20 घंटे 20 दिन काम करके कितने घंटे में काम समाप्त करेंगे। तो हम काम दोनों टोटल कर लिए, तो हम अब काट लिए इसको, तो हमारा एक्चुअल आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि 8 घंटे रोज काम करते हुए ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 8 घंटे रोज करते हुए 7 दिन में पूरा कर सकता है। वह एक साथ रोज 7 घंटे काम करते हुए कितने समय में उस काम को पूरा कर लेंगे। चलिए देखते हैं, हम आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। 6 घंटे 6 घंटे रोज काम करते हुए एक किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है। तो हम काम मान लिए कि हमारा काम एक था, और 6 8 48, ये 1 दिन का काम हमारा ए का निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है कि और बी उसी काम को 8 घंटे रोज करते हुए 7 दिन में पूरा कर रहा है। तो हम बी का मान ले कि काम हमारा एक था, और 8 घंटे रोज काम करते हुए ये 7 दिन में कर रहा है, तो 7 8 56, ये बी की क्षमता निकल के आ गई। अब दोनों की हम क्षमता निकाल कर और 7 दिन में वही काम करवा ले रहे हैं। तो चलिए 1/48 और प्लस 1/56, अब इनका एलसीएम निकाल लेंगे हम। 48 और 56, 8 6 48, 8 7 56, 7 6 42, 8 42 × 8, 8 2 16, 8 4 32, 32 1 33। अब ये क्या हो गया हमारा, 48 से 48 से हम काटेंगे इसको, तो 48 48 से 48, 8 4 48 2 96, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 6, 8 6 बार में ये कट जाएगा, और प्लस ये तब ये 7 बार में कट जाएगा। अब ये जो निकल के आया हमारा 13/336, ये ए और प्लस बी दोनों दोनों का 1 दिन का, 1 दिन का कार्य निकल के आया। अब हमें करवाना क्या है कि दोनों 7 दिन पूछा क्या है कि वे साथ मिलकर रोज 7 घंटे काम करते हुए कितने समय में उस काम को पूरा कर लेंगे। तो हम ये जो निकल के आया आया था ये 7/336, ये ए और प्लस बी दोनों का 1 दिन का कार्य निकल के आया, तो 7 दिन में ये काम कितना करेंगे, तो हम इसे काट लेंगे। तो ये क्या होगा, 13/791 और 336, तो ये कटेगा कितना से, 91, ये हम इसे 90 मान ले रहे हैं, तो 9 3 27, 3 बार 91 × 336 हम काट रहे हैं इसको, यहाँ 3 बार ले जाए, तो ये 3 और 9 3 27, 6 6 में से 3 गया, तो 3 बचेगा, और ये 13 6 बचा, कट गया ये 3 बार में, 3.5 above आएगा, 3.5 से ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ क्या, यहाँ तो सब सम्मान उसमें दे दिया है, तो 3 से ज़्यादा है, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे।
क्या कह रहा है देखिएगा, छह बॉय या चार मैन। तो बॉय बटे मैन बराबर 4/6, ये इनकी क्षमता निकल के आ गई, 2:3 ये इनका क्षमता निकल के आ गया। अब हम किसी से भी अपना पहले काम निकाल रहे हैं कि काम हमारा कितना था, तो चलिए हम मैन का मान रहे हैं, तो 4 आदमी थे और एक आदमी का एक दिन का काम कितना था, 3, और गुणे काम कितने दिन में हुआ है, तो ये 8 दिन में, ये 18। यहाँ देखिए ये 18 दिन में समाप्त हुआ है। अब देखिएगा क्या, तो क्या कह रहा है, 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 3 लड़के, तो लड़के का एक दिन, एक लड़के का काम कितना है, एक एक बच्चे का एक दिन का काम कितना है, तो 3 बच्चे 6 काम करेंगे, और 10 10 उसका 10 पुरुष, तो एक पुरुष एक दिन का काम कितना है, 3 है, तो वो 10 तियाएँ 30 काम वो करेंगे, तो 4 × 3 × 18 और ये जोड़ लेंगे, 30 × 6 = 36, तो ये 18 × 2 = 36 और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा 6 आंसर आ जाएगा। देखिए ये जो हम निकाले हैं ये हमारा क्षमता निकल के आया है, और इसी तरह ये क्वेश्चन लगेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 4 आदमी तथा 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरत मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। 4 4 मैन तथा 6 वुमैन, 4 मैन तथा 6 वुमैन किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर रही हैं। और क्या कह रहा है, 3 मैन 7 वुमैन, 3 मैन तथा 7 वुमैन किसी काम को 7 दिन में कर रहे हैं। चलिए पक्षांतर कर ले रहे हैं, 8 4 32 मैन प्लस 8 6 48 वुमैन, ये 7 3 21 मैन, ये यहाँ 10 है क्वेश्चन में, सॉरी हमसे गलती हो गई, ये 10 है, तो ये 10 तियाएँ 30 हो जाएगा, और प्लस 10 7 70 वुमैन हो जाएगा। चलिए पक्षांतर करते हैं, तो ये 32 मैन माइनस 30 मैन, और ये 70 वुमैन माइनस 48 वुमैन। अब ये 2 मैन बराबर कितना हो जाएगा, ये 22 वुमैन, तो मैन बटे वुमैन बराबर हो जाएगा 22/2, तो ये कटकर 11/1 हो जाएगा, ये हमारा क्षमता निकल के आ गया। अब ये हम जो क्षमता निकल के आया है किसी में भी अपना मान पुटअप कर ले रहे हैं, तो क्या था कि एक मैन एक दिन में 11 काम करता था, तो 4 मैन 11 चौक 44 प्लस 6, एक वुमैन एक दिन का काम 1 है, तो ये × 8 हो जाएगा, तो ये हम बाहर निकाल ले रहे हैं इसे, तो 44 और 6 50 और × 8 ये हमारा काम निकल के आ गया। अब देखते हैं हम किनसे करवाना है, तो करवाना किनसे था, तो क्या कह रहा है कि 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगी, तो एक औरत का एक दिन का काम कितना था, एक, तो 20 औरत 20 दिन में ये हम काट लेंगे, तो ये यहाँ से ये कट जाएगा, ये 4 5 चौक 20 इसका एक्चुअल आंसर आ गया, 20 देखिए है, डी वाला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि 6 आदमी तथा 8 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करें, और 26 आदमी तथा 48 लड़के
इस काम को 2 दिन में समाप्त करें। तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? चलिए ये भी बता रहे हैं हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से। क्या कह रहा है देखिएगा क्वेश्चन। 6 आदमी, 6 मैन प्लस 8 वुमेन किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। और क्या कह रहा है कि 26 मैन और प्लस 48 बॉय है, यहाँ बॉय कर लीजिएगा, बच्चा है, ये 2 दिन में कोई काम समाप्त कर रहे हैं। अब पक्षांतर कर लीजिए यहाँ, 10 6 60, 60 मैन प्लस 10 8 80 बॉय बराबर हो जाएगा ये 26 दूनी 52 मैन प्लस 48 दूनी 96 बॉय। फिर से पक्षांतर कर रहे हैं हम, ये 60 मैन माइनस 52 मैन बराबर हो जाएगा ये 96 बॉय माइनस 80 बॉय। अब यहाँ क्या बचेगा हमारा, 8 मैन बराबर 16 बॉय, वे मैन अपान बॉय बराबर 16/8 आ गया, वे कटकर 2:1, ये हमारा क्षमता निकल के आ गया। अभी अपना क्षमता जो है किसी भी मान में पुट अप कर ले रहे हैं। तो हमारा मान था क्या, 6 मैन प्लस 8 बॉय किसी काम को 10 दिन में कर रहे थे। तो चलिए मान लिए कि मैन का एक दिन एक आदमी का क्षमता कितना था, 2, तो 6 दुनी 12 और प्लस 8, क्योंकि एक बच्चे का एक दिन का एक एक ही कैपेसिटी है, और गुड़े 8, तो 12 8 20 और गुड़े 10, ये हमारा काम निकल के आ गया। अब हमें करवाना किससे है, तो क्वेश्चन में कह क्या रहा है देखिएगा। 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 15 आदमी, एक आदमी का एक दिन का काम कितना है, 2, तो 15 आदमी 30 काम एक दिन में करेंगे, और 20 बच्चे कह रहा है, क्योंकि ये बच्चे का एक दिन का एक ही कैपेसिटी है, तो ये 200/50 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5 चौक 20, 4 दिन इसका एक्चुअल आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन में 4 है, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 पुरुष एक काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? क्या कह रहा है देखिएगा क्वेश्चन। 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में, 8 पुरुष जो है किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, और क्या कह रहा है, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर रही हैं, यही काम 8 महिलाएं मिलकर 32 दिन में पूरा कर रही हैं। 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में कर रही हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर रही हैं। इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाओं से करवाना है। तो चले पहले हम इसको काट ले रहे हैं, 8 से ही 8 कट गया, ये 4 5 20, 4 से 8 बार में, तो ये मैन था और ये वुमेन था, तो मैन अपान वुमेन बराबर हो जाएगा 8/5, ये हमारा क्षमता निकल के आ गया। अब हम अपना मान किसी भी में रख के पुट अप कर ले रहे हैं, तो चलिए देखते हैं काम क्या था। तो एक मैन एक दिन में 8 काम कर रहा था, तो ये क्षमता निकल के आ गया, हम करवा ले रहे हैं। तो 8, एक आदमी एक दिन में 8 काम कर रहा था, तो 8 आदमी 64 और गुणे 20, क्योंकि ये एक आदमी एक दिन में 8 काम कर रहा था, तो 8 आदमी थे, तो 8 8 64 आदमी और गुणे 20 दिन ये काम आ गया। अब हमारा क्या हुआ, क्या कह रहा है कि 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं, तो 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं, तो 5 पुरुष एक दिन में, एक आदमी एक पुरुष का एक दिन का काम 8, तो 5 पुरुष कह रहा है 5 8 40, और ये कह रहा है कि वुमेन का, एक वुमेन का क्षमता कितना है, 5,
तो महिलाएं कितनी हैं, 8, तो ये भी प्लस 40 हो गया, तो 64 और गुणे 20 और बटे 40, 40 80 ये निकल के आ गया। ये देखिएगा जो ये निकल के आया हमारा, ये क्या कह रहा था कि 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी का एक दिन का काम कितना है 8, तो 8 आदमी 8 दिन में 64 काम करेंगे और गुणे 20 दिन लगा है, तो ये गुणा करके हम अपना काम निकालें कि काम कितना हमारा था। अब क्या कह रहा है कि 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं इसी काम को कितना दिन में करवाने के लिए बोला था, तो एक आदमी का एक दिन का काम 8 है, तो 5 पुरुष जो है इसे 5 पुरुष का काम एक दिन का कितना हो गया 40, और प्लस क्या कह रहा था कि 8 महिलाएं, तो एक महिला का एक दिन का काम कितना था 5, तो 8 महिलाएं एक दिन में 40 काम करेंगी, तो 40 40 80, तो ये 4 20 चौके 80 और 4 चौके ये 16 दिन इसका सही आंसर हो गया। ये देखिए ये 16 इसका एक्चुअल आंसर हो गया। और जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ भाई। मैं इसी तरह आपको अच्छी अच्छी वीडियो और ट्रिक से बताता रहूँगा।